अकल पे हैरान हूँ। और आप ये देखें कि जब से बैसाखियाँ गई हैं, हमेशा से बैसाखियों पे था, चाहे वो जनरल पाशा हो या वो जनरल ज़हीरुल इस्लाम हो, कोई भी हो, जब से बैसाखियाँ गई हैं तब से इनकी अकल ठिकाने नहीं आ रही, इनको समझ नहीं आ रही इनके साथ हो क्या है। ये हमेशा से बैसाखियों पर था, जब से बैसाखियाँ गई हैं तब से अकल ठिकाने नहीं आ रही। मरियम नवाज कहती हैं, जेल भरो तहरीक में कारकुनान को सियासी ईंधन बनाया गया। कौन से मुल्क में ऐसा होता है कि लीडर छुप जाए और कारकुनान अपनी जानें कुर्बान करें। इमरान खान अपनी टांग पर प्लास्टर चढ़ाकर घर बैठ गया और कारकुनान को आगे कर दिया। कारकुनान इधर आ जाएं, कारकुनान वहां चले जाएं, बस यही काम है इमरान खान का। ये 22 करोड़ लोगों का मुल्क है, ये कोई बच्चों का मुल्क नहीं है कि जो चाहो कर लो। कल इमरान खान कारकुनों को आगे करके खुद घर में छुपे रहे, वाहिद लीडर रहे जिसने कारकुनों को ढाल बनाया। इमरान खान को आज इस्लामाबाद की तीनों अदालतों से इस्तिस्ना मिल गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इकदाम कत्ल मुकदमे में अबूरी जमानत केस में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अगर इमरान खान शामिल तफ्तीश नहीं होते तो कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा, मुलजिम अगर शामिल तफ्तीश नहीं होता तो उसके अपने नतायज हैं। थाना संगजानी केस और खातून जज को धमकी देने के केस में भी हाजिरी से इस्तिस्ना मिल गया। अदालत आलिया ने इमरान खान की अबूरी जमानत में 21 मार्च तक तौसी कर दी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात, इलेक्शन कमीशन ने वजारत खजाना से 15 अरब मांग लिए। इलेक्शन कमीशन का 10 अरब रुपए फौरी जारी करने का मुतालिबा, वजारत खजाना ने मुल्क के मुआशी हालात का उजर पेश कर दिया। सेक्रेटरी खजाना कहते हैं इलेक्शन कमीशन को डिमांड्स पर नजरसानी की दरखास्त की है। इलेक्शन कमीशन का गवर्नर पख्तूनख्वा के नाम एक और खत, इस्लामाबाद हेडक्वार्टर आने के लिए 14 मार्च को मधु कर लिया। तहरीक इंसाफ के वफद की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात, पंजाब हुकूमत के हवाले से तहफ्फुज़ात से आगाह किया। इलेक्शन कमीशन से माजी की तलखियां भुला दी। शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से बातचीत, कहा आइन के तहत इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन से अच्छे माहौल में बात हुई, लाहौर वाक़े का भी जिक्र किया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन की तारीख नहीं देते तो तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करेंगे। डॉलर की एक बार फिर उड़ान, इंटरबैंक में 4.38 रुपए महंगा, 283.50 रुपए पर ट्रेडिंग। सोने के भाव एक बार फिर चढ़ गए, फी तोला कीमत में 400 रुपए का इजाफा, नई कीमत 1,97,700 रुपए फी तोला हो गई। IMF से स्टाफ लेवल मुआहदा इस हफ्ते भी ना होने का खदशा। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीरे खजाना बोले कि मैंने चंद दिन का कहा था, एक हफ्ते का तो नहीं कहा। सहाफी ने पूछा कि सुना है कि IMF ताहाल हुकूमती इकदाम से मुतमईन नहीं हुआ। इस पर वज़ीरे खजाना ने कहा कि इसका जवाब IMF से ही पूछ लें। IMF फंडिंग की राह खोलने के लिए पाकिस्तान को ही इकदाम करना होंगे, अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान नेट प्राइस की प्रेस ब्रीफिंग कहते हैं IMF प्रोग्राम के हवाले से पाकिस्तान की हिमायत करते हैं। आलमी बरादरी और अमरीका की मदद से पाकिस्तान पायदार तरक्की की राह पर आ सकता है। बिजली सार्फीन की जेब पर 6 अरब रुपए का डाका, PAC कमेटी में बड़ा इंकशाफ। ऑडिट ब्रीफिंग में बताया गया कि मंसूबा मुकम्मल होने के बावजूद वसूली की जाती रही। सार्फीन से नीलम जेहलम सरचार्ज की मद में 5.8 अरब रुपए बिला जवाज वसूल किए जाने का इंकशाफ। कमेटी का पैसे सार्फीन को वापस करने का हुक्म। वफाकी काबीना ने तोशाखाना का रिकॉर्ड पब्लिक करने की इजाजत दे दी, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट, कहते हैं रिकॉर्ड काबीना डिवीजन की वेबसाइट पर पोस्ट किया जाएगा। तो
रुपए की बेकदरी ने पाकिस्तान पर कर्जों का बोझ बढ़ा दिया। एक साल में डॉलर की कीमत बढ़ने से 5,700 अरब रुपए के कर्ज बढ़ गए। स्टेट बैंक के मुताबिक मुल्की और बैन अक्वामी कर्जे रिकॉर्ड सतह पर जा पहुंचे। जनवरी तक बैरूनी कर्जे 20,000 अरब रुपए से ज्यादा हो गए। गुज़श्ता साल जनवरी में बैरूनी कर्जे 15,000 अरब रुपए थे। एक साल में डॉलर 91 रुपए महंगा हुआ। रुपए की कदर में 51% कमी हुई। मुट्ठी भर गुमराह लोग बलूचिस्तान के अवाम और मुसल्ला अफवाज के हौसलों को पस्त नहीं कर सकते। आर्मी चीफ की कबायली अमायदीन से मुलाकात। आर्मी चीफ ने गवादर का दौरा किया। सी पैक सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग दी गई। जनरल आसिम मुनीर ने जवानों और अफसरों की काविशों को सराहा। आर्मी चीफ का बलूचिस्तान के लिए तालीम, सोलर सिस्टम, माहीगीरी, पानी, सेहत, खेल के मनसूबों का ऐलान। वफाकी काबीना ने नायब तरमीम के बिल की मंजूरी दे दी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में काबीना ने नेशनल एयर पॉलिसी की मंजूरी दे दी। हज पॉलिसी 2023 ECC के फैसलों की मंजूरी दे दी। रवां साल शुमाली पाकिस्तान के आज़मीन के लिए हज अखराजात 11,75,000 रुपये होंगे। जनूबी पाकिस्तान के आज़मीन के लिए हज अखराजात 11,65,000 रुपये होंगे। कोयटा में इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी। वारंट जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत से जारी हुए। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन पर इदारों के खिलाफ हर्जा सराय का मुकदमा। अदलिया से बचो तहरीक पर सिक्योरिटी मसला नहीं होता। अदालत बुलाए तो बीमारी, माजूरी और बुजुर्गी। वफाकी वज़ीर इत्तला'आत की मरियम औरंगजेब इमरान खान पर तनकीद करते हुए कहती हैं, सिक्योरिटी का बहाना बनाकर आज फिर अदालत ना आए। मुबैना बेटी को जाहिर ना करने पर इमरान खान की नाअहली का केस। तरमीम की दरख्वास्त पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ को नोटिस। बुनियादी दरख्वास्त में तरमीम करने की दरख्वास्त पर 13 मार्च को जवाब तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की रजिस्ट्रार को दस्तावेजात की दरख्वास्त बाकायदा समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। जो शख्स अदालत के बार बार बुलाने पर भी पेश नहीं होता, वो अदलिया बचाओ तहरीक चलाएगा। निजामे अदल का मजाक उड़ाने वाला अदलिया का मुहाफिज बन रहा है। रहनुमा पीपल्स पार्टी सेनेटर शेरी रहमान का ट्वीट। इमरान खान की हर नाम नेहाद तहरीक का मकसद इनकी जात तक ही महदूद है। ये तहरीक भी इनकी पहली तहरीकों की तरह बुरी तरह नाकाम होगी। इमरान खान और उनकी अहलिया तलबी के बावजूद नैब रावलपिंडी में पेश न हुए। तलबी के नोटिस में चेयरमैन PTI और उनकी अहलिया को आज 2:30 बजे मुश्तरका तहकीकाती टीम के सामने पेश होने की हिदायत की गई थी। FIA में फराह गोगी के खिलाफ जारी मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात में पेशरफ्त। वारंट गिरफ्तारी लेकर FIA की टीम फराह गोगी के घर पहुंची। मुलाजिम ने वारंट वसूल किए। जिस दिन अदालतों ने गिरफ्तारी का कहा, इमरान खान के गिरफ्तारी में 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी हमेशा इलेक्शन के लिए तैयार होती है। कल लाहौर में जो हुआ, पीपल्स पार्टी उसकी मजम्मत करती है। पुलिस को इस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे। रिहायशी सोसाइटी के लिए जाली फर्द पेश करके RDA से NOC लेने का इल्जाम। एंटी करप्शन हुकाम का साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी आमिर कियानी समेत एक दर्जन अफराद के खिलाफ फ्रॉड और खुर्द बुर्द का मुकदमा। 2 पटवारी गिरफ्तार। इमरान खान की तकरीर पर पाबंदी का पैमरा का नोटिफिकेशन मौतल। लाहौर हाईकोर्ट ने केस फुल बेंच के पास भिजवा दिया। पैमरा ने इमरान खान की तकरीर और बयानात नशर करने पर पाबंदी लगाई थी। वो
वाइस चेयरमैन पार्टी की नंबर टू कयादत होता है। इमरान खान ने परवेज इलाही को पार्टी में अहम ओहदा दिए जाने के हवाले से कहा कि परवेज इलाही ने एस्टेब्लिशमेंट का दबाव बर्दाश्त किया, वो मुश्किल वक्त में हमारे साथ रहे, इसलिए उन्हें इज्जत देने के लिए पार्टी का ओहदा दिया। मरियम नवाज कहती हैं कि परवेज इलाही तो स्टेक होल्डर थे, उन्हें असेंबली टूटने का पता ही नहीं था। इमरान खान ने कौमी असेंबली तोड़ दी और आज उसी असेंबली में जाने के लिए मिन्नतें कर रहे हैं। ये हमेशा से बैसाखियों पर था, जब से बैसाखियां गईं तब से अकल ठिकाने नहीं आ रही। अगर इंतजाम सरकार